प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के नाउस वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत से पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, अब भारत सबसे समान नज़दीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी एक मजबूत आवाज़ हैं। आज जब भारत वैश्विक मंच पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों,